हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कनवाड़िया क्लासेस बाय राजेश में। दोस्तों, जैसा कि आप मांग कर रहे थे कि रीट लेवल सेकंड की जो अनुमानित पदों का वर्गीकरण है वो कितना रहेगा, कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो पदों का वर्गीकरण है वो अनुमानित नहीं है, वो काफ़ी हद तक बिल्कुल वही रहने वाला है और ये ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा। हाँ, हालांकि ये है कि जो ये पद एक दूसरे में जो जा रहे हैं ना, कि जैसे इंग्लिश के पद किसी और में चले गए, एसएस हिंदी से एसएस में आ गए, वो वाला थोड़ा लफड़ा हो सकता है, लेकिन अभी तक जो संभावनाएं हैं वो क्या है वो मैं आपको बता देने वाला हूँ। और कई लोग ऐसे भी हैं मैंने जो जब लाइव आपके सामने में आया था और मैंने बताया था तो वो इनको काउंट कर रहे थे और काउंट करके बता रहे थे कि सर पद पूरे इतने हैं नहीं, तुमने कहाँ से बता दिए। तो यार मैं अनुमान लगा रहा हूँ और ये जो 10 से 15 हज़ार बता रहा हूँ, 3,000 से 3,500 या 3,500 बता रहा हूँ, तो इन चीज़ों को भी वो काउंट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को काउंट करके कह रहे कि सर पद तो इतने हैं ही नहीं, आप गलत प्रेडिक्शन क्यों दे रहे हैं, गलत अनुमान क्यों बता रहे हैं। तो यार थोड़ी तसल्ली रखो, ऐसा नहीं है कि आप भी समझो, अनुमानित पदों का विवरण दे रहा हूँ मैं, न कि ये वास्तविक है, ये अनुमानित है और अनुमानित जो है वो बिल्कुल फिक्स रहने वाले, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ये आप जो भी गलत कमेंट करते हैं और जो फालतू बातें कर रहे हैं, मैं उनके लिए बिल्कुल ये वीडियो नहीं बना रहा, मैं मेरे दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, मेरे चैनल से जो प्यार करते हैं और जो मेरी फैमिली की तरह मेरे दोस्त बने हैं, मेरी बहनें बनी हैं, उनके लिए ये वीडियो है, फालतू लोगों के लिए वीडियो नहीं है। अगर आपको अपना कमेंट देना है, अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं, फिर आपका स्वागत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी राय दीजिए कमेंट में, चाहे आप अपने तरफ से भाई इतने पद रहेंगे वो बता दीजिए, चाहे और कुछ बता दीजिए, आप राय दे सकते हो, लेकिन फालतू कमेंट नहीं कर सकते। भाई मैं भी एक इंसान हूँ और मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे जो लग रहा है और जो मैंने जानकारी जुटाई है उस हिसाब से मैं पदों का विवरण बताऊंगा और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो भी मैं जानकारी के हिसाब से या जो मैं जिन कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ और उसके हिसाब से जो कुछ है और मैंने अनुमान लगाया उस हिसाब से कट ऑफ दूंगा। आपको इसमें कुछ गलत लग रहा है तो आप गलत कमेंट तो ना करें और आपको जो लग रहा है ना वो बता दीजिए, बस आपको इतना करना है, जो आपको लग रहा है कि सर ये नहीं रहेगी, मेरे हिसाब से ये रहेगी, आप कमेंट बॉक्स में वो चीज़ बता सकते हैं, उसके लिए आपका स्वागत है और मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ इसे, क्योंकि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और मैं इसके लिए आपको मना नहीं करता, लेकिन आप गलत कमेंट ना करें, ठीक है दोस्तों। तो जो पदों का वर्गीकरण है वो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। इंग्लिश में जो पद रहने वाले हैं और जो अनुमानित पद बताए गए हैं वो 12,000 कम से कम रहेंगे, 12,000 पद कम से कम रहेंगे, ये तो श्योर रहने वाले हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश वालों की बल्ले बल्ले हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले ये 15,000 रहने वाले थे, लेकिन 15,000 जो पद थे एसएस में, पद बहुत कम थे, बहुत कम क्या, नहीं के बराबर ही पद थे एसएस में, पिछली बार तो एक भी पद नहीं आया था और इस बार भी पद बहुत कम थे, तो उन पदों में डालने के लिए, और एसएस के विद्यार्थी भी बहुत सारे होते हैं, तो उन पदों में इंग्लिश से उठा के डाल दिए गए, इस कारण ये कम हो गए, वरना 15,000 तक जाने की गुंजाइश थी, लेकिन अभी कम से कम 12,000 रहने वाले, तो कम से कम 12,000 रहेंगे इंग्लिश के पद। फिर अगर हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत की भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे मेरी बहनें और मेरे जो भाई है वो पूछ रहे थे, तो भाइयों संस्कृत की जो कटो ये जो पद है वो 1,000 से लेकर के 1,500 पद के बीच में रहने के चांसेज हैं और ये आंकड़े बिल्कुल सटीक है, कोई ज़्यादा इसमें अंतर नहीं रहेगा। तो ये जो सुनने में आ रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ और मैंने जो जानकारी जुटाई है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आप जो आपको गलत लग रहा है तो आप इनका जो पद आ जाए उसके बाद में आप कमेंट करना कि हाँ सर आपने गलत बताया था, तब मैं इस चीज़ को स्वीकार करूँगा, उससे पहले मैं इस चीज़ को स्वीकार नहीं करूँगा। तो संस्कृत में भी पद बहुत कम बताए गए थे, पहले 500 से लेकर के 700 पद बताए गए थे, लेकिन ये कम होने के कारण इनको भी बढ़ा दिया गया है। फिर अगर बात करें हिंदी विषय की, तो हिंदी विषय में 3,500 पद आने की पूरी चांसेज है और ये ही पद आएंगे, तो इसमें क्या था, अब इसमें भी पद जो कम होंगे या जो इसमें क्या है, इसमें अगर पद कम होंगे, हो सकते हैं इसमें पद कम और पद कम होकर एसएस की तरफ जा सकते हैं, जो सोशल साइंस वाले विद्यार्थी हैं उनको यहाँ से पद मिल सकते हैं इंग्लिश के निकाल के, तो इसमें थोड़े कम होने के चांसेज हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बात करते हैं, और अभी तक का जो प्रेडिक्शन है वो कहता है कि 3,500 फिक्स रहेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं एसएस की, तो एसएस में कितने रहने वाले हैं, एसएस में 3,000 से लेकर के 3,500 पद रहेंगे, ठीक है, तो ये फिक्स है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा इसमें भी। साइंस मैथ की बात करें तो यहाँ पे 7,000 से लेकर के 7,500 के मध्य पद रहेंगे, और जो आप कह रहे हैं कि सर इनका अलग अलग रिजल्ट आएगा या एक जगह आएगा, तो इनका रिजल्ट एक जगह ही आएगा, तो 7,000 से लेकर के 7,500 पद रहने की गुंजाइश है। फिर पंजाबी और उर्दू, तो पंजाबी और उर्दू में नाम मात्र के पद है, यानी न के बराबर पद हैं, और जैसे कि पंजाबी और उर्दू में स्टूडेंट भी कम होते हैं, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अपनी बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, तो आप ध्यान से देखिएगा और मैं बस यही कहूँगा कि अगर आपको गलत लगता है तो आप कमेंट में अपनी जो राय है वो दे दीजिए, मैं उन्हें स्वीकार करूँगा, उन्हें मौका दूंगा आसानी से, आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके हिसाब से जो लगता है वो आप बता दीजिए। पहले हम देखते हैं इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश की कल रह गई थी, तो दोस्तों इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो जाएगी 63 से लेकर के 64 के बीच में। ये जो आंकड़े हैं वो विभिन्न जो कोचिंग है जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ या फिर अन्य जो मेरे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने हासिल किया है, और उस हिसाब से ये इतनी ही जा रही है, उनके हिसाब से मैंने बिल्कुल सही प्रेडिक्शन लगाया, इतनी ही जा रही है, क्योंकि 12,000 पद भाई कम नहीं होते, बहुत सारे होते हैं यार, 12,000 होंगे तो बहुत सारे होते हैं ये पद।
तो 12,000 के हिसाब से ये 63 से लेकर 64 तक रहने वाली है जनरल की इंग्लिश में। फिर ओबीसी की अगर बात करें तो 62 से लेकर के 63 के बीच में रहने वाली है, एमबीसी की 61.5 से लेकर के 62 के बीच में रहने वाली है, और जो एससी के स्टूडेंट है उनकी 58 से लेकर के 59 के बीच में रहने वाली है, और बाकी जो एसटी के है वो बिल्कुल पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे, और पीएच वाले भी पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे इंग्लिश से। तो फिर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 72 से लेकर के 73 जनरल की जाएगी। जिन भाइयों के कम बन रहे हैं भगवान से मैं दुआ करता हूँ कि उनके लिए चाहे मेरी प्रेडिक्शन है वो गलत चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका नंबर आ जाना चाहिए। कम बन रहे हैं अपने दिल को दुखी मत करिएगा, जो मुझे लग रहा है वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, और भगवान से ये दुआ करता हूँ अगर आपका नंबर आ रहा है तो मेरा प्रेडिक्शन गलत चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जनरल की 72 से लेकर के 73 के बीच में रहने वाली है, और ओबीसी की अगर बात करें तो 71.5 से लेकर के 72 के बीच में रहने वाली है ओबीसी की। एमबीसी की अगर बात करें तो एमबीसी की 70 से लेकर 71 के बीच में, एससी की 68 से लेकर 69 के बीच में, और जो एसटी है उनकी 67 से 68 के बीच में, पीएच वाले 66 पे जाएंगे। अभी हिंदी की बात कर लेते हैं, हिंदी में 72 जनरल, ओबीसी 71, एमबीसी 69.5, और जो एससी है उनकी 68 रहने वाली है, और एसटी वालों की 67 रहने वाली है, और जो पीएच वाले हैं उनकी 66 रहने वाली है। अभी हम एसएस की बात कर लेते हैं सोशल साइंस वालों के विद्यार्थी वाले विद्यार्थियों के लिए, तो 72 से लेकर के 73.5 तक इनकी रहने वाली है जनरल की, और जो ओबीसी है उनकी 71 से 72 के बीच रहने वाली है, और एमबीसी वालों की 70 से 70.5 के बीच रहने वाली है, और एससी वालों की 68 से 69 के बीच रहने वाली है, और जो एसटी से बिलोंग करते हैं वो 66 से 67 रहेगी, और इनकी ये इनकी रहेगी 67 पीएच वालों की। पीएच वालों की यहाँ पे आप कुछ कम कर सकते हैं, 66 मान लीजिए, और अभी जो साइंस मैथ से है एसएम से है उनकी जनरल वालों की 70 से 71 रहेगी मेरे हिसाब से, और 69 से लेकर के 70 तक रहेगी ओबीसी वालों की, एमबीसी वालों की 68 रहेगी, और जो एससी वाले उनकी 67 रहेगी, और एसटी वालों की 65 रहेगी, और पीएच वाले जो है उनकी 64 रहने की संभावना है। अब वीडियो की अगर बात करते हैं इन सभी में, तो वीडियो की एक तो सोशल साइंस को छोड़ के और एक ये जो संस्कृत है या सॉरी हिंदी है इसको छोड़ करके बाकी सब में लगभग ऑल सेलेक्ट हो जाएंगी, वीडियो ऑल सेलेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अगर मेरी प्रेडिक्शन आपको पसंद आ रही है आई है तो लाइक करिए। आपका नंबर नहीं आ रहा है तो दोस्तों मैं ये दुआ करता हूँ कि अगर एक दो नंबर कम पड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए लेकिन आपका नंबर आ जाना चाहिए, इससे आप दुखी ना होइए, कोई बात नहीं, प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, बस आपका नंबर आ जाना चाहिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लगे रहिए अपनी स्टडी में। बाय फ्रेंड्स।